शाम है, नया दिन नहीं है, मतलब दिन में इट्स अ डे, तो इट्स अ इवनिंग एंड वी आर गोइंग, चेचर से कोटा जा रहे हैं. क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने पोस्ट देख ही लिया होगा ऑफकोर्स थंबनेल से, बट वी आर गोइंग, जो एरिश है अपनी बड़ी नानी सा से मिलने जा रहा है, नानी सा, बड़े नानी सा, बड़े नानू सा, और बड़े मामा सा, बड़ी मामी सा से मिलने जा रहा है. तो अभी तो एरिश तो सोए हैं, देखिए मम्मा के पास. एंड इशांका अपने बड़े दादी सा और बड़े दादू सा से मिलने जा रही है. एंड शायद ये रघु भैया से फर्स्ट टाइम मिलेगी ना. हाँ, तो ये भी अपने ताऊजी होंगे ना, तो इशांका अपने ताऊजी से फर्स्ट टाइम मिलेगी. बाकी भाभी वगैरह सब लोग तो मिल चुके हैं, तो बेसिकली हम लोग बड़ी मम्मी वगैरह के यहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आए काफी दिन हो गए और वो कब से बुला रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि आज जाते हैं और सबसे मिल के आते हैं और इन दोनों को भी मिलवा लेते हैं. देखिए आयरिश जैक चिके हैं, अभी सो गया. तो बस आप लोग भी मेरे साथ चलिए और इन लोगों के साथ साथ मैं आप लोगों को भी उनसे मिलवाऊंगी एंड मस्त मजे करेंगे और फिर वापस भी आएंगे. हम लोग सोच रहे हैं बिकॉज यू नो बेबीज के साथ ज़्यादा सब कुछ इनका सेट है घर पे ही, तो वही सही रहता है. मतलब यू नो सुबह उठते हैं तो फिर वो मसाज हो जाती है, बात हो जाता है, चेंज करके फीट लेके वो लोग सो जाते हैं, मतलब एक शेड्यूल सेट रहता है. तो हम लोग सोच रहे हैं कि करके फिर वापस आ जाएंगे. तो मैं आपको अपडेट दूंगी क्या क्या होता है वो बताऊंगी, सबसे मिलवाऊंगी और बहुत मस्ती करेंगे. और ये डिलीशियस खाना जो बड़ी मम्मी ने बनाया था, बड़ी मम्मी हर चीज़ बहुत अमेजिंग यम बनाती हैं. ये जो सूजी का हलवा है ये यू नो डिफरेंट लेवल का था, बहुत ही ज़्यादा यम था. और ये छोटा सा ब्लॉग था, ज़्यादा मैं कुछ छोटी कर पाई क्योंकि इतने टाइम बस सब लोगों से मिले थे, तो यू नो बहुत से मोबाइल तब उठा ही नहीं पाए. एंड यू नो सबके साथ खेल के बहुत मज़ा आया. आपको लाइक कमेंट शेयर करके बताया कैसा लगा.